ਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਪਾਹੀ ਚੂੜਾ ਖਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਪਾਹੀ ਚੂੜਾ ਖਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਵੇ ਮਾਈ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो, मैंने सोचा मैं स्कूबा डाइविंग रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो अगर आप स्पेक्स लगाते हो तो अगर आपकी पावर स्टैंडर्ड पावर है लाइक -3.5 माइनस मतलब सिलेंड्रिकल पावर है और स्टैंडर्ड पावर है तो वो आपको पावर ग्लासेस प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज आप अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज भी वेयर कर सकते हो, मैंने वही किया था। बट आई सजेस्ट कि आप वन डे कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर करो जिसको आप बाद में थ्रो कर सको, क्योंकि बार बार अगर आप उसको रीयूज़ करोगे तो चांसेज आर हाई कि आपके आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो प्राइस हमने स्कूबा डाइविंग के लिए पे किए थे वो हमने पे किए थे 4,500। अगेन ये डिपेंड कर सकता है आप किस सीज़न में डाइव कर रहे हो। इसके अलावा आप अगर स्कूबा डाइविंग कर रहे हो तो टाइम जो आपको रिक्वायर्ड है वो एटलीस्ट 3-4 आवर पकड़ के चलिएगा, क्योंकि उसमें आपके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं और फिर आपकी डाइव का भी आधा घंटा टाइम होता है, और अगर आप किसी के साथ डाइव कर रहे हो तो उसका भी टाइम उसमें ऐड हो जाता है। तो इतना टाइम तो आप एटलीस्ट लेके ही चलिए। ट्रेनिंग में बेसिकली वो आपको समुद्र के किनारे ले जाके थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं, क्योंकि आप उस समुद्र के अंदर नाक से सांस नहीं ले सकते, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको अंदर फेस होती हैं उसके लिए आपको कुछ सॉल्यूशंस बताए जाते हैं, जैसे कि आपके कान में दर्द हो सकता है, आपके मास्क में पानी जा सकता है या आपके मुंह में पानी जा सकता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है इसके लिए आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। समुद्र में ले जाने के बाद आपको पूरा सब कंप्लीट सूट पहनाया जाता है, सिलेंडर के साथ आपको अंदर जंप करना होता है, और उसके बाद क्या एक्सपीरियंस होता है वो आप देख ही रहे हैं। Just completed our scuba diving session and it is amazing. सारी प्राइस डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। बट अगर अंडमान आ रहे हैं देन स्कूबा डाइविंग इज मस्ट। एक्चुअली हमने देर आर टू टाइप्स ऑफ राइड ड्राइव्स, सो वन इज शोर ड्राइव एंड अदर वन इज बोट डाइव। बोट डाइव में आपको बीच में ले जाके छोड़ते हैं, और सच में अगर आप स्कूबा डाइविंग कर रहे हो तो आपको बोट डाइव ही करनी चाहिए। हमने भी वही करी थी और बहुत ही अमेजिंग थी, मतलब बहुत ही क्लीन सब कुछ दिखाई देता है। तो आई सजेस्ट कि अगर आप कर ही रहे हो तो आप बोट डाइव कर लेना। तो अब आप बताइए आपका स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस कैसा था? शुरुआत में प्रैक्टिस के टाइम में बहुत डर लग रहा था, पता नहीं होगा नहीं होगा, फर्स्ट टाइम था। लेकिन जब बोट से जैसे उन्होंने जंप किया और सारा अंदर पानी के अंदर जाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। बस आपको मेन फोकस ऑक्सीजन पे करना है, उसके बाद बाकी सब स्मूथ जाता है। इट्स वाज रियली रियली वेरी अमेजिंग एंड यू शुड ट्राई इट। आई कैन डू इट एंड आई थिंक एवरीवन कैन डू इट। या इट इज वेरी वेरी अमेजिंग। Thank you.
तो ये वो ऑप्शन है जो मैंने सेकंड ऑप्शन की आपसे बात की थी ना, कि हम यहाँ पे बजट प्लस लग्जरी दोनों कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा लग्जरी स्टे है जो हमने सेकंड डे पे लिया है। ये है सिल्वर सैंड बीच रिजॉर्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हो वो सामने बीच है, ये स्विमिंग पूल है और ये है हमारा रूम। तो हम आपको एक रूम टूर दे देते हैं। वो टीवी चलते ही छोड़ गया, कोई लग रहा है। सो दिस इज़ आवर रूम। सो दिस इज बेड। आप देख ही पा रहे हो टीवी है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है। बताइए कौन कौन फैन है इसका। यहाँ पे एक स्टोरेज एरिया है, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे भी हमारा एक अलमीरा है जो कि लॉक लग रही है, हो सकता है लॉक हो। और ये है एक बिग साइज मिरर और ये है वॉशरूम। ओके, सो अलमीरा खुल चुकी है, इसमें लॉकर भी है जैसे कि अभी आपको पता ही लग गया होगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि जब डिनर हमने किया था वो अंजू कोको में किया था और वो हमें इतना अच्छा लगा कि हमने लंच करना भी वहीं प्रेफर किया। आफ्टर लंच हम निकले राधानगर बीच के लिए, जहां हमने डिसाइड किया था कि सनसेट के टाइम एक फ़ोटोशूट कराएंगे। तो वहां पे हमने एक फ़ोटोशूट कराया। जो फ़ोटोशूट हमने कराया वो हमने कराया मिस्टर परफेक्ट फ़ोटोग्राफी से। उनका इंस्टा हैंडल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप और भी पिक्चर्स उनकी देख सको। बाकी हमारी पिक्चर्स के एग्जांपल्स हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। हमने भी अपने कुछ पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे डाली हुई हैं, तो आप वहाँ ज़रूर जाएं और हमें वहाँ पे भी फॉलो करें। उसका हैंडल भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हम हैवलॉक जेटी पे और इट्स टाइम टू लीव हैवलॉक एंड वी आर गोइंग टू नील आइलैंड नाउ।